बीजेपी का प्लान दक्षिण तैयार है। आज से हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में रणनीति केसीआर को सत्ता से आउट करने की तैयारी हो रही है। बाय बाय केसीआर। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक का मकसद यही है। अगले 2 दिनों तक बीजेपी कार्यकारिणी की करीब 350 सदस्य इस बात पर मंथन करने वाले हैं कि कैसे तेलंगाना समेत दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई जाए और कर्नाटक में वापसी की जाए। बीजेपी इस बैठक के जरिए तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में अपने योगदान को भी याद दिलाएगी। निशाना अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच से ये संदेश देने की कोशिश होगी कि तेलंगाना राज्य बनाने में बीजेपी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। इसके लिए पार्टी अलग तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान बीजेपी के समर्थन और संसद में सुषमा स्वराज के ऐतिहासिक भाषण का भी जिक्र करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से बाहर हो रही है। कार्यकारिणी से एक दिन पहले जेपी नड्डा ने रोड शो भी किया था। बीजेपी ने कार्यकारिणी के पहले दिन यानी आज से ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की सत्ता से विदाई का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि आज से 522 दिन तक केसीआर मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी अपने दम पर राज्य में बहुमत की सरकार बनाएगी। कार्यकारिणी की शुरुआत होने से पहले ही बीजेपी ने कार्यकारिणी के 119 वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं की 119 विधानसभाओं में 49 घंटों की ड्यूटी लगाई है। इनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। हैदराबाद में कार्यकारिणी के समापन के बाद 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेड ग्राउंड में बड़ी रैली होगी। इस रैली में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। रैली को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी 23,000 बूथ संयोजकों को सौंपी गई है। तेलंगाना फतह करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद पर अलग से फोकस किया है। कार्यकारिणी के सदस्य और कई केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने अलग अलग समाज से सीधा संवाद करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। दक्षिण भारत में मोदी मैजिक को भुनाने की क्या रणनीति बनती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। हैदराबाद में रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।